पांच आसन आपको कराएंगे। आओ, आप सबको योग सिखाते सिखाते भजन भी सुनाएंगे, संगीत में योग भी है, हंसता हुआ योग भी है। हाँ देखो, हमने बचपन से ही सीखा था, पहले दीवार के साथ करते थे, फिर थोड़े दिन में बैलेंस बन गए। अब सबको तो आना ही चाहिए, जो योग प्रचारक है उनको तो आता ही आता है सबको, क्योंकि बच्चों को कराते हैं, बच्चों को हम बचपन से सिखा देते हैं, इसलिए पतंजलि के जो गुरुकुल में रहते हैं, आचार्य कुलम में रहते हैं, उन सबको भी सिखा देते हैं। ये शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है, ऐसे ही माथा टिकाया, ये वाला भाग टिकता है, थोड़ा सा इधर जहाँ बाल नहीं है वो, और थोड़ा सा जहाँ बाल है वो, यहाँ यहाँ से टिकता है। ऐसे दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं और एक 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 पैर को भी ऐसे उठा सकते हैं, आसान है। पथिक सुने तो ना फसना इस जग की माया में, और पथिक सुने तो ना फसना इस जग की माया में, मिला मनुज धन फिर ना खोना, मिला मनुष्य तन फिर ना खोना, इस जग की माया में, और पथिक सुन तू ना फसना इस जग की माया में। इस जग की माया में, और पथिक सुन तू ना फसना इस जग की माया में। शीर्षासन के बाद या तो थोड़ी देर खड़े हो जाते हैं अथवा थोड़ी देर समासन कर लेंगे। अब समासन कर लेंगे फिर सर्वांगासन भी हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। आइए, बाहर से दिखता है सुंदर भवसागर का नजारा, बाहर से दिखता है सुंदर भवसागर का नजारा, लेकिन डूब गया तो इसमें, लेकिन डूब गया तो फिर ना मिलेगा किनारा। ऐसे शीर्षासन के बाद सर्वांगासन, और जो शीर्षासन न कर पाए तो विकल्प भी है उसका, सर्वांगासन। शीर्षासन इसलिए कहा जाता है, एक तो सिर से किया जाता है और सब आसनों के शिखर पर है वो, शीर्ष पर। और सर्वांगासन इसलिए कहते हैं, सभी अंगों को उससे शक्ति ऊर्जा पोषण मिलता है। फिर हलासन, पैरों को उठाए धीरे धीरे और पीछे टिका दे। बाहर से दिखता है सुंदर भवसागर का नजारा, बाहर से दिखता है सुंदर
माधव सागर का नजारा, लेकिन डूब गया तो इसमें, लेकिन डूब गया तो इसमें फिर न मिलेगा किनारा। अब ये चक्रासन छोटे बच्चे तो और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो खड़े होकर के भी कर लेते हैं चक्रासन। चलिए बैठिए पश्चिमोत्थाना। चलिए पांच आसन जरूरी है, फिर दूसरे आसन भी बताएंगे, बच्चे कर लेते हैं आसानी से, हम भी बचपन से करते थे। चलिए आइए जग है दो दिन का मेला, लगा है आना जाना। पांच आसन तो अवश्य करना ही करना।